खातिन हज़रात, जहाँ जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और अपनी खैरियत से मुझे आगाह करें। और मेरी खैरियत यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के कानून का एहतराम करें, अपने लोगों की हेल्प करें, बल्कि आपसे जो भी हालात में नीचे हो उसकी हेल्प करें, चाहे वो किसी भी मुल्क से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। आज का प्रोग्राम दरअसल दो नस्लों का प्रोग्राम है, जूनियर सीनियर। सीनियर को कैसे मिलना चाहिए जूनियर के साथ, और जूनियर को अपने सीनियर के साथ कैसे मिलना चाहिए और क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। एक्टिंग बहुत सारी चीज़ों से बनती है। मेन चीज़ होती है सपोर्ट, यानी आपके अपने स्टूडियो हो, आपकी अपनी फिल्में हो, आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, आपका अपना इदारा हो और आपके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा ख़ानदान हो, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी तरफ भी एक फनकार है जिसे उस मकाम पे पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से गुजर के और कैसी कैसी कठिन राहों को अबूर करना पड़ता है, और फिर वो फनकार अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने हालात से, अपने इलाके से, अपने सिस्टम से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करता है। ये कोई आसान काम नहीं है। काम तो ये ऊपर वाले की है, मगर इसमें मेहनत उस फनकार की है। दोनों फनकार हमारे पास हैं जो मैंने सुना है आपको। दोनों के नाम, दोनों का इस फील्ड से किस तरह ताल्लुक़ बना, किस तरह उन्होंने मेहनतें की और कहाँ कहाँ गए पाकिस्तान के फ़न को लेकर। झंडा उनके हाथ में भी पाकिस्तान का है, लेकिन बताऊंगा आपको ये सारी बातें, मिलवाऊंगा आपको उन फनकारों से, लेकिन हमारे साथ रहें। मैं लूँगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Don't go anywhere. We'll be right back. तीन महीने हुए हैं। हाँ जी, शादी हो गई है रहीम शाह। हाँ, जब मैंने आपका पहली दफा नाम सुना तो मैं समझा कोई तावीज़ दे वाला बाबा है। ये दौर भी असल में मुगलिया ही दौर है, पर बादशाह खुल के सामने नहीं आ रहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे, हमने अपने दोनों मेहमानों के कुछ इशारों में आपको बताने की कोशिश की थी। दोनों का ताल्लुक़ किसी ना किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी की इंडस्ट्री से और थिएटर से है। उनके बारे में इतना जानता हूँ कि उनके फैमिली पाकिस्तान बनने से भी पहले इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थी और जब वो इंडस्ट्री में आई थी वो एकदम आते के साथ ही छा गई थी। आपकी बहुत सारी तालियां, मोहब्बत, प्यार में मैं जहमत दूंगा एक ऐसे नाम को जिसे सुनकर आप यकीनी तौर पर आपके हाथ तालियों में बदल जाएंगे, बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगी जाना मलिक। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। मैं चाहे दूसरे मेहमान को बुला लूं? जरूर, जल्दी से सर। अच्छा, जल्दी से बुलाने लगे हैं उस आदमी को जिसे कतई जल्दी नहीं है। उनके गीत ने बहुत शोहरत बख्शी और वो इतना गाना सुना गया और इतना परफॉर्म हुआ कि वो उनकी शनाख्त बन गया। लेकिन उन्होंने ये एतराफ़ किया कि पहले तो कभी कभी गम था लेकिन अब पाकिस्तान में हर आदमी गमज़दा है, पता नहीं क्या बात है। ये उनके गाने से नहीं हुआ, हालात, महंगाई, चोरियां, डाके, झूठ, बेईमानी, मिलावट, इस सब चीज़ों ने पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर वक्त आदमी खौफजदा और गमजदा फिरता है। इन लम्हात को हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बांटें। इस गाने को उरूज पर पहुंचाने वाले मेरे रब ने उनको तबीयत भी बड़ी सहारा दी। आपकी पुरजोर तालियों में रहीम शाह। आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ सर, थैंक यू सो मच। इंसानों के बीच में ए परी तुम आज मुश्किल सी लग रही है कुछ शख्सियत, आप किसी बात से खौफ ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। खुश है? एक रात बता दो उनको, लोगों को बता दीजिए अभी जो आपने मुझे बताया। जरूर, व्हाई नॉट। कितने महीने हुए? 3 महीने हुए। 3 महीने हुए हैं? हाँ जी, शादी हो गई है। अरे कुछ सुनते हैं गांव के लोगों? रामगढ़ के बच्चियों, अब तो इसकी भी शादी हो गई। क्या शादी हो गई तो हीरोइन बची कौन? मुश्किल हो गई, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैं आपको दिल की गहराइयों से, मोहब्बत, प्यार से, अपने चैनल की तरफ से, अपने तमाम टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब रहीम शाह, आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। जब मैंने आपका पहली दफा नाम सुना तो मैं समझा कोई तावीज़ देने वाला बाबा है। रहीम शाह, ऐसे ही नाम होते ना, तावीज़ देने वाले होते। औलाद ना हो रही हो, बच्चा गुम हो गया हो, इस तरह के मसाइल में ये बात डायलॉगों पे बेटे मुझे देखना मार, इतना मोहब्बत में इन्वॉल्व ना हो मेरी। तो एक शोहरत मैंने देखी, तो हम अमेरिका भी साथ गए, लंदन भी गए, दुनिया के बेस्टर ममालिक में गया है। और ये गाना एक ऐसी करेंसी है जो डॉलर से ज़्यादा कैश हुआ है दुनिया के अंदर। वाह वाह वाह, बेशक, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तकब्बुर जब आता है तो क्या करते हो? फिर मैं आपके शो में आता हूँ। ठीक होकर चला जाता हूँ, मैं ठीक हो जाती है। नहीं यार क्या बात, मैं तुम्हें इतनी इज्जत और इतना प्यार, ठीक हो जाता हूँ इसके बाद, ठीक हो जाता हूँ। नहीं नहीं मैं देता हूँ भैया, मेरे ये इल्जाम ना लगाना खुदा के वास्ते यार, कह रहे मैं आपके तक, हाँ इतने प्यार से, मैं कोई तकब्बुर की गरूर की ट्यूनिंग करता हूँ यार। मैं तो खुद तौबा करता हूँ, या अल्लाह माफ कर दे, जबान ना पकड़िए पाप कर देगा। आमीन अल्लाह ताला। तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारे गानों जैसा ही दर्द है, जैसे तुम्हारे गाने हैं, जैसे तुम्हारे अंदर ये फन है कि तुम गाने जैसा अपना गले के कॉर्ड्स बना देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि गाना कहीं जा रहा है, गला कहीं जा रहा है, बोल कहीं जा रहा है, तीनों मिक्सअप होके आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बस ये अल्लाह का ख़ास करम होता है, ये आवाज़ एक ऐसा तोहफ़ा है उमर भाई जी, ये जिसको अल्लाह देता है तो यूँ समझ जाओ कि साथ साथ उसने अल्लाह उसको कलाम भी देता है कि ये मेरा कलाम है, इसे भी पढ़ा करो इस आवाज़ में। सुभान अल्लाह। ये और ये मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने गाने से पहले मैंने अल्लाह के कलाम की बड़ी तिलावत की है माशाअल्लाह। इसी की वजह से मैं वाहिद पाकिस्तान में ऐसा आदमी हूँ, ये पिछले 20 साल में मैंने तजर्बा किया है कि मुझे आप इंटीरियर सिंध ले जाएँ, पंजाब ले जाएँ, बलूचिस्तान ले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा, इवन पूरा अफगानिस्तान, अल्लाह ने हर जगह इतनी इज़्ज़त दी है। और इज़्ज़त का ये आलम देखिए कि आज मैं पाकिस्तान के उस शख्स के साथ बैठा हूँ कि जिसे दुनिया सुनना चाहती है, देखना चाहती है, और मैं मेहमान के तौर पर आया। उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल 100% सच। बिल्कुल देखो जी, अल्लाह जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह तो आपका जिक्र नहीं करेगा, लेकिन दुनिया को कह देगा मेरे इस बंदे का जिक्र करो। वो पजीराई अपनी शान के मुताबिक करता है बेशक बेशक, और सजा भी अपने जलाल के मुताबिक देता है। देखो मैं बादशाह नहीं बना मुगल सल्तनत का, क्यों? क्योंकि मैं ना शहजादा सलीम का अदब करता हूँ ना अकबर बादशाह का। क्यों भाई? वो मुझे अनारकली भाभी पे तरस आता है। कहाँ चले गए आप? मुगलिया दौर में कहाँ चले गए आप? तो इस दौर में मेरा दिल नहीं लगता। उस दौर में जाना, ये दौर भी असल में मुगलिया ही दौर है, पर बादशाह खुल के सामने नहीं आ रहा। वाह, मुगलिया दौर, बादशाह नहीं खुला। खुलवाएं इसको प्लीज, बादशाह का खुला लो, 4 वजीर मिलेंगे। अच्छा सुने ना, फिर 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। अरे ये इलाका कौन सा है? अच्छा लाहौर। या। वाली में का म्यूजिक आता है, वाली में का बजा रहे। मैंने रेडियो खोला तो रेडियो में मैंने देखा एक भी गाना मैंने सुना। हाँ रेडियो में आप देख नहीं सकते, नहीं देखा मैंने। ताल्लुक ऐसा इंडस्ट्री के साथ गहरा है कि आँख खोली तो ये स्टूडियो की मालकन थी, और बारी स्टूडियो की, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है। मैंने की हमारी रिकॉर्डिंग, बिल्कुल मैंने की, बिल्कुल बिल्कुल की। ये उस घराने में है और उतने ही तबीयत के अंदर सादगी है। बिल्कुल होगी, कहीं से आपको महसूस नहीं होगा कि ये कोई मतलब ये नहीं कि पीछे बैकग्राउंड में एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है। नहीं, वो आजिजी है इसमें, मैंने हमेशा देखी है, फिल्में भी हम लोगों ने इकट्ठे किया है। हाँ जी हम की थी हमने, हाँ जी हाँ जी, फिल्म भी टीवी शोज पे हमने इतना सारा। तो मैं जाना आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप एक एक्ट्रेस और आपकी जिनसे शादी हुई है वो पाकिस्तान के बड़े फेमस सिंगर नौमान जावेद, तो ये एक सिंगर को एक्ट्रेस से कहाँ मुलाकात हो गई, कैसे लव हो गया, कैसे शादी हो गई? अरे ये बहुत ही मज़े की कहानी है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बताऊं। बस झटपट किस्म की कहानी है। हमारी ज़िंदगी में पहली बार, इवन दो कि हम एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, लेकिन कभी किसी शो में भी ऐसे ही कभी कोई होस्टिंग है कुछ, उसमें भी कभी मुलाकात ना हो सकी। ठीक है, सो 12 अगस्त को, इसी 12 अगस्त ही जो अभी 4 महीने पहले जो हमने अगस्त गुजरा है, 12 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई ज़िंदगी में पहली बार। ठीक है, हाँ। उसके बाद जी 18 अगस्त को ऐसी एक और मुलाकात हो गई। उसके बाद जी हम अपने काम में बिजी हो गए, वो अपने काम में बिजी हो गए, उनके कराची की ट्रिप्स थे, टूर्स थे, ये सारा कुछ 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। सर सारे इत्तफाकात जो आपके साथ हो रहे हैं, जी जी, ये इलाका कौन सा है? लाहौर। लाहौर में, लाहौर में। अच्छा लाहौर जाना चाहिए बिल्कुल, फॉरन, बल्कि आपको भी कहूंगी। अच्छा सुनिए, और अगस्त में जाना चाहिए। हाँ अगस्त में, अब इतना सारा साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना, फिर 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। अरे ठीक है, और मैंने कहा हाँ ठीक है। आपने भी कहता ठीक है? हाँ मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है। मुझे आप लोग पता क्या लग रहा है, दो परिंदे जो तार पे नहीं बैठे हुए होते, बिजली के तारों में। बस नहीं तो कोई नखरे नहीं दिखाए, नहीं मैं सोच के बताऊंगी, नहीं अभी नहीं। पता है जब 12 अगस्त को मेरी इनसे पहली दफा मैंने इनको देखा था ना, ओहो, तो बस वो पीछे होता ना बैकग्राउंड में वायलिन बजे, आलाप चले, बिल्कुल सितार बजा, सितार, सर हैप्पी वाला सितार। अच्छा हैप्पी वाला सितार, एक मिनट सुन लीजिए कौन सा, बिल्कुल ये दूर से कनीज खतरे दिया। आरे वाँ, आरे वाँ। तो बस 2 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, और निकाह हो गया शनाई। क्या बात है, शनाई वलीमे का म्यूजिक आता है मुझे। वलीमे का बजा दे, वलीमे का हम जब नौमान जावेद को बुलाएंगे तब उन्हीं से पूछेंगे, तब प्लीज। हाँ जरूर। लेकिन अभी हम रहीम शाह से भी तो पूछेंगे, आपकी जिंदगी में शनाइयाँ कब बजी, कब ऐसे म्यूजिक बजे, वायलिन बजे? ये तो पता है ना मेरी बहन, आपको पठान आदमी हूँ। हाँ। तो वायलिन को तो भूल जाओ। तलवारें निकल गई। बिल्कुल एक्सैक्टली। नहीं इनकी माशाल्लाह जिनसे इनकी शादी हुई है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और लाहौर इन्होंने बताया है, मैं भी लाहौर जाऊंगा इंशाल्लाह। उमर भाई ने मुझे बताया पूरा, लेकिन वो लोकल एरिया भी पूछ लें कौन सा है तो फिर सही पता लग जाएगा। तो लेकिन हमारी मेरी शादी में ना कोई शहनाई ना कोई बाजा, कुछ भी नहीं बजा, और सादगी तरीके से जो सुन्नत तरीका है। अच्छा, और मैंने पैसे का शोशा नहीं किया है, मैंने दिखावा नहीं किया है, मैंने तस्वीरों पे तवज्जो नहीं दी है, मैंने आने वाली ज़िंदगी पे पूरी की पूरी तवज्जो दी है। तो सब कुछ उसके लिए को संवारा है आप, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आने वाले दौर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा आपको तरक्की मिले। उमर भाई मिल जाएगी मुझे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आपके तवज्जो से, क्योंकि आपका शो ऐसा है कि इसे ना देखते हुए भी कोई देखता ज़रूर है। तो जहाँ भी आप होते हैं, जिस चैनल पे भी होते हैं, ये तो हो गया कम से कम कि अब मैं जब रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, और इससे पहले भी एक और शो था उस पे था मैं, तो मैंने रेडियो खोला तो रेडियो में मैंने देखा एक भी गाना मैंने सुना। हाँ रेडियो में आप देख नहीं सकते। नहीं देखा, मैंने ट्यून किया ना, जब मैंने देखा फिर सुना, तो सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ और यकीन हो चला कि यार अब पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना जाएगा। हाँ। क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे तक सुना और देखा कि कोई भी इंडियन और कोई भी यानी ऐसा जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसका कोई ऐसा गाना नहीं चल रहा था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पूरे जब वो गाने सुने जाते थे तब भी माशाल्लाह आपके गाने लोग पसंद करते थे, और उस टाइम भी लोग आपके गाने सुनते थे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फिल्में इंडिया से रिलीज नहीं हुई। मैं आज इस बात पर बड़ा खुश हूँ। सही बात। ये हकीकत है कि ये बगैर इंडिया की इंडस्ट्री के सपोर्ट के बगैर इसने बड़ी तरक्की की। अब तो इंडिया का इतना हमारे ऊपर एक ज़माना था कि इंडिया इतना हो गया था, छा गया था कि अगर कोई मर जाता था लंदन में तो फ्लाइट में जिस पे आना है डेड बॉडी ने, हाँ। वो रिश्तेदार वाया भारत से लेकर आ रहे हैं कि भाई कम से कम मरहूम इंडिया से चक्कर मार गया। बड़े बुरे हालात। हमने उस हालात के अंदर मुकाबला किया इंडियन फिल्मों का, बड़ा सख्त। थिएटर छोड़ गए उनके सामने, थिएटर से मारा इंडियन फिल्मों को। ओ सर, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि शायद आपको पता हो, मैं एक मूवी देख रहा था, इंडियन मूवी थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मेरे ख्याल में, अमिताभ और गोविंदा। तो एक सीन उसमें वो जेल का उन्होंने दिखाया है कि वो डाकू सुल्तान किसको पकड़ते हैं वो, जो ड्रामे में हुआ है एज इट इज मैंने देखा, वही बोला है, वही हुआ है। अमिताभ ने और गोविंदा ने किया, दोनों ने। ड्रामे का नाम था, हम मेरा ड्रामा था, उसका नाम छोटे मियाँ बड़े मियाँ। उसको उन्होंने किया था हमसा हो तो सामने आए, थाने का ड्रामा था। जी बिल्कुल, थाने, हाँ थाने का था बिल्कुल। हम हमारा लिए तो करते रहते हैं, इस पे हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, आप भी खुश, आप भी खुश हैं, ये अलग बात है। मगर मैं एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी गलत जगह जा रही थी, लेकिन आज जो इंडियन फिल्मों का बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता उनका वो बाइकाट हुआ है और पूरी कौम एक पेज पे आ गई है। बिल्कुल जी, नहीं देखना, नहीं देखना। बिल्कुल, जो हमारी तरफ गुस्से में देखे, हम उसकी फिल्म को प्यार से कैसे देखें? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहब्बत से जियो यार, हम तो मोहब्बत में जान देने को फिरते हैं। बहुत प्यार दे दिया उमर भाई, हाँ बस आप देंगे तो लेंगे, अब वो जो भी देंगे लेंगे। बस आपने रहीम भाई सोच दिया, खत्म हो गई बात, खत्म कर दी मैंने। अब किसी के सोच, अब दिमाग बंद हो चुके हैं बस। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आपको गाने की ऑफर हो जाए आशा जी के साथ, अच्छा ओहो, तो क्या करेंगे आप? वैसे आशा जी पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, वो इतनी नई नहीं है। अगर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मालूम है आप एहतराम में गा लेंगे एक आधा गाना। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल नहीं। देख लो मुझे, मैं बता रहा हूँ उमर भाई, बकौल आपके शुरू में आपने यही फरमाया कि जो मुझे अल्लाह ने अपने मुल्क में दे दिया है, क्या मेरे जैसा दूसरा बनाया अल्लाह ने? नहीं, मैं तो, मुझे तो नज़र नहीं आता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस मुल्क से अगर वहाँ जाऊँ, वहाँ करूँ, कोई काम करूँ, मैं हाँ हिंदुस्तान के अलावा मैं गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, मैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मैंने कॉन्सर्ट किया है, मैं उज़्बेकिस्तान गया हूँ, ताजिकिस्तान गया हूँ, यूक्रेन तक मैं गया हूँ। और ये भी नहीं है कि वहाँ पर हमारे लोग नहीं थे, हर तरह के हमारे, यानी जो पंजाब कह दें आप, सिंध कह दें, बलूचिस्तान कह दें, हर सूबे का आदमी मैंने वहाँ पर देखा। यानी तो मुझे क्या ज़रूरत है, पूरे दुनिया में है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह है। बस मैं उमर भाई आप वाली बात कि जिस दिन ये यूँ हो गया ना, बिल्कुल तो फिर पाक ही पाक होगा। यूनिटी, फिर पाक, मुसलमान एक हो, बस तो पाक होगा ना, कसम से फिर पाक एक हो। मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वाह, नील के साहिल से लेके ताबा खाका काशकर, अल्लाह, काशकर जो है वो रशिया में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शेर अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, बिल्कुल, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो हम एक हो जाए तो फिर क्या है, इंशाल्लाह होंगे, क्या बोलते हैं आप? एक हो जाए इंशाल्लाह, क्या इंशाल्लाह पर दुनिया में कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर कौम नहीं होगी, नहीं कोई नहीं। और इतनी दिलेर, दिलेर आप बताएं, आपको कोई सामना कर सकता है? आपके साथ कोई बोल सकता है? नहीं, कोई भी इम्पॉसिबल। बताएं मुझे, अब मुझसे पूछो मैं क्या बोलूं, मैं चुप ही रहूंगा, वो फिर भी नहीं बोल सकेंगे। वो तो ये लोग बोल रहे हैं, ताली वाली बजाय, कैश पैसे आगे दे मुझे। अच्छा, बहरहाल ये सारी बातों के बावजूद रहीम शाह, जिंदगी कुछ हकीकतें हैं जिन्हें ना तुम बुला सकते हो और ना मैं बुला सकता हूँ। हकीकत उसे आंखें नहीं चुरानी चाहिए, नहीं, उनको फेस करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कभी हम जिक्र करते हैं, आंखों में आंसू तो आते हैं और लब थरथराते भी हैं, दिल बैठता भी है, दिमाग सोचता भी है। एक इशारा जिसे देखने के बाद एक राब्ता टूट सा जाता है, उसका नाम है क्या सर? ब्रेक। लो डरा दिया सारा। शुरू हो गया भाई शो। आपको तो पता है मैं बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। आप हर बात के बात करती हैं, आपको तो पता है। अच्छा सवाल ये पता था मुझे कैसे पता है? शोहरत याफ्ता हो के आदमी अपने घर वालों से भी क्या मगरूर हो जाता है? नहीं, नाराज होता अब्बा से कि यार अब्बा मुझसे ऑटोग्राफ नहीं लेते। शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली, एक इजाफा कर लो, शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली और जेब भी खाली। नहीं 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 उमर भाई नहीं, प्लीज खुदा के लिए नहीं। अरे नहीं प्लीज, प्लीज आप उमर साहब को ना करें। नहीं 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 करें, वो समझ रहे मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ। क्या नहीं कोई ये क्या बात है? शुरू हो गया भाई शो। शुरू हो गया। आगे कैमरा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे हम गए और वापस आ गए। हमारे साथ वही दो मेहमान हैं, वही जाना मलिक हैं, वही रहीम शाह हैं, वही सोफे हैं, वही कुशन हैं, बिल्कुल वही हम सब हैं, बिल्कुल। और हमारे मेहमान इस वक्त रहीम शाह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक हल्का सा कुछ गुनगुनाहट हो जाए। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है उमर भाई, मेरा एक बहुत पुराना, बहुत ही सादा, आपको पता है सादे आदमी को सादे लोग अच्छे लगते हैं। लकी मेरा बहुत प्यारा दोस्त, हमारा साथ बहुत पुराना है। आपकी इजाज़त है मैं उधर खड़े होकर उसके साथ, ताकि वो फील ना करे कि हमारे आपके साथ गाएगा भाई। हाय 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 हाय। लकी लकी अली का, वैसे तो लकी अली खुद एक बड़ा मुकम्मल फनकार है, लेकिन ये एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ है और ये सजाद अली का भाई है। अच्छा वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहर खाली, वाह, बाग खाली, वाह, जाम खाली, एक इजाफा कर लो, शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली और जेब भी खाली। शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली, हो गया मैं खाना खाली, सागर और पैमाना खाली। फिर पश्तो में कहते हैं जो फनकार है उसके घर में आटे का डब्बा भी खाली। और क्या क्या खाली, सर सर बालों से खाली, और दलवंगुवनी सांगिद गुलशा, आउज बसूरी लदर जमा दलवंगो, और जाना काबलो पूछियो को दलवंगो, जाना काबलो पूछियो को दलवंगो, और दलवंगो वने माई खाली, दरबार सलामुना थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दोनों बेमिसाल फनकार हैं, दोनों लाजवाब फनकार हैं। क्या कहा? काबुल का तो समझ आ गया, काबुल का तो काबुल चली गई, समझ आ गया है। जानान जो है वो काबुल चली गई। मैं खोल देना भाई, बता दूं दलवंगुवने सांगिद गुलशा, ये कह रहे हैं कि ओ लवंग के पौधे या पेड़, तेरी शाखें हरी भरी हो जाएं। औज़ बसूरी लदर जमा दलवंग, तब मैं आऊँगा तेरी छाव के नीचे बैठने के लिए। वाह वाह। फिर कहा मैंने उमर भाई के लिए, ये दोस्ती के लिए था, पाक अफगान दोस्ती के लिए, जानान का बलो कुचियों को दलवंगू। आपको पता है जो अफगानी भाई बहन वो सब वापस जा रहे हैं, कहते जानान दोस्त सनम मेरा काबुल का था, अब वो वापस जा रहा है। जानान का बलो कुचियों को दलवंगू, दलवंगू बने माय खाली दरबार तो सलाम ना दलवंगू। अब वो खाली जो वो छोड़ के अपनी जगह, उसको सिर्फ सलाम किए जाता है। तुम भी सलामत रहो, हम भी सलामत रहो। वाह वाह वाह। और हमें वाकई में अपने अफगान भाइयों को ऐसे ही रुखसत करना चाहिए, उसी प्यार के साथ जैसे वो यहाँ प्यार से रहे हैं, और इस ज़मीन को उन्होंने अपना समझा। उनको मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह करे इंतहाई हिफाजत से अपने घरों पे पहुँचे, आप आमीन हिफाजत से पहुँचे। अच्छा, ये जो आपने गाना सुनाया ये तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आपने सर एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए? सर ग्रेजुएशन की प्राइवेटली। अच्छा। काम ही करती रही, आपको पता है बचपन से काम कर रही हूँ। सो वो बड़ा एक ल्यूक्रेटिव मेरे लिए था कि चेक आता है, फिर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। सो दैट वाज माय प्रायोरिटी, दैट बिकेम माय प्रायोरिटी। बट स्टडीज़ ऑफ कोर्स, आपको तो पता है मैं बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। हर वक्त कोई ना कोई मोटी सी किताब होती है। अब साइंस ने तरक्की कर ली है, सो अब मेरे पास एक टैबलेट है। आप हर बात के बात करती हैं, आपको तो पता है। अच्छा सवाल ये पता था, मुझे कैसे पता है? अच्छा सॉरी ना, आप टेप निकाल के दिखा दे दो, आप कह रही हैं आपको तो बताइए। अच्छा मैं बता रही हूँ ना। हाँ, सो मेरे पास अब वो जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आपने बताया, अरे आप कहेंगी जैसा कि मैंने बताया। वाह अच्छी बात। अच्छा मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। पॉकेट मनी पे थी आप ये बता रहे हैं कि ये वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सो एजुकेशन, सर एजुकेशन जो है वो तो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती है, जितना जिंदगी खुद एक एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। सो स्कूल ऑफ लाइफ से जो सीखता है एक इंसान, वो स्कूल में तो नहीं मिलता, ठीक है। दुनिया में जब हम निकलते हैं, मैंने उल्टा पढ़ना शुरू किया। मैं पहले दाखिला ले लिया यूनिवर्सिटी में, वाह वाह, वहाँ पे मैं जो हुआ मेरे साथ, तो मैं कॉलेज में आ गया। अच्छा वहाँ जो हुआ ना, तो मैं स्कूल में आ गया, और जो वहाँ मेरे साथ हुआ स्कूल में, तो मैं बाहर आ गया। वो भी मुझे बाद में लोगों ने बताया, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ तो और क्या, बस यही होता है, नॉन एजुकेटेड हैं आप। हाँ। ओ, ये जो एजाज मुझे मिला ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जी, तो मैं फिर रोने लगा। नहीं अरे क्यों? मुझे लोगों ने चुप कराया, बोले देखो अगर टाइम पे पढ़ लेते तो आज रोते नहीं। अच्छा सर रहीम, हाँ। शौहरत क्या हो गई है आपके लिए? तो कोई मायने नहीं रखती, आप बहुत मशहूर आदमी है। शौहरत याफ्ता होकर आदमी अपने घर वालों से भी क्या मगरूर हो जाता है? नहीं नाराज होता अब्बा से कि यार अब्बा मुझसे ऑटोग्राफ नहीं लेते। बड़े भाई को बोल देते यार ऑटोग्राफ नहीं लेता है, क्या हम आर्टिस्ट नहीं है? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरे तो नाम ही बड़े भाई पे रहीम शाह, मेरे तो अपना नाम मोहम्मद है। नहीं लेकिन तो मैं तो अगर ऑटोग्राफ भी देता हूँ तो रहीम शाह ही लिखता हूँ। अच्छा लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आप इतना अच्छा गाते हैं लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं नहीं हमें तो वो सिंगर बहुत पसंद है, हम उसके गाने शौक से सुनते हैं? ऐसा हर घर में होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा मेरे साथ भी होता है। आपका गाना मशहूर हुआ, कभी कभी गम था, तो आपके घर वाले कह रहे हैं मेहंदी हसन अच्छा गाते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो फिर आप खुद ही कह रहे हैं इसमें कोई शक ही नहीं है। शोहरत आदमी का दिमाग खराब करती है, लेकिन आपका नहीं हुआ। मैंने आपको देखा बड़े बड़े अच्छी जगह और बड़ी बड़ी क्लैप और बड़ा अप्रिशिएट हुए आप माशाल्लाह। और ऐसा ही इनके लिए भी कुछ शोहरत को मायने लगते, क्योंकि इन्होंने अपने जायदाद पे तमाम शोहरत याफ्ता लोगों को काम करते हुए देखा। ओ जबी अपनी प्रॉपर्टी पे सही बात है। लेकिन जाना को घर के काम से कितना लगाव है? खाना आप खुद बनाती हैं या कुकी है? सीरियसली मैं अगर एक्ट्रेस ना होती तो आई वुड हैव बीन अ शेफ। मैं हाँ, बल्कि दो बार ऐसे मैंने कोशिश भी की है कि बाहर वो जो ये क्यूजीन सिखाने वाले जो स्कूल्स होते हैं उसमें मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हालात और प्लस मैं अकलौता बच्चा हूँ घर का, तो फिर वो एक ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है कि बाहर भेजते भी डरते हैं। तो बस ये कि मैं होती शेफ़ होती ज़रूर, डेफिनेटली खाना पकाने का बहुत शौक है। इनमें बड़ा सलीका है, मैं इनको देखा बहुत आते हुए स्टूडियो में, शूटिंग किया, सब कुछ किया। ये इस तरह की है जिसमें सलीका होता है, घर को सजाना, सलीका रखना, बड़ा अच्छा। चले अल्लाह इनको सलामत रखे। अच्छा, जैसे इन्हें घर सजाने का शौक है, हमने भी अपना सेट सजाया और ये एक आपके लिए शीशा लगाया है स्पेशल। अच्छा हाँ, अभी शीशे में एक गेम है। शीशे में गेम है? गेम क्या है देखिए, पहले तो ये होता था हीरोइन को हीरो ने धोखा दिया, वो शीशे में आई। हाँ अब रात मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। अरे वाह वाह वाह, इस तरह रहे। क्या क्या हुआ यार, क्या हुआ भाई? अब्रार को जानते हैं ये, अब्रार को जानते हैं इसलिए हंस रहे इतना। ये उस लड़की को जानते नहीं नहीं, अब्रार मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा भी यार है, शो में गया था यार, मेरा भी यार है। लेकिन अब्रार ही क्यों? अरे अबरार तो यार हमारे बेशुमार लोगों का नाम अबरार है। अबरार नहीं रख, चलो परवेज कर लो। हाँ परवेज ठीक है, मेरा दोस्त है परवेज कुछ और कर लो, अहमद शाह कर लो, अहमद शाह कर लो, अहमद शाह कर लो। अच्छा अहमद शाह पे सूट करता है, छोटे छोटे दुख देना छोटे छोटे दुख दुख देना जी जी, उसकी फितरत में है। अच्छा मैसेज के जरिए भी दुख देगा। हाय हाय, आपको मैसेज एसएमएस करेगा दुख वाले। सही बता, तो मैं क्या बात कर रहा था भाई? आईने की बात कर रहा था। आईना, सहेली तेरा बाखपन लूट गया तो आईना तोड़ दे। भाई आईने का क्या कसूर है? हाँ मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जी सिचुएशन से बचाए। सिचुएशन ये है कि आप आईने के सामने हैं, आप दोनों को जाना पड़ेगा और उसमें नहीं आपको भी जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है उमर भाई, ठीक है, दोनों जाएंगे। 5 अपनी खूबियाँ और 5 अपनी खामियाँ बतानी है। लो सच 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 सच, कसम खिलवाएं, पहले कसम खिलवाएं। बड़ा मुश्किल काम है वो, तो हम वहाँ हलफ लेते हैं जब आप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नहीं, पहले ये आई थी, पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। लेडीज आपके इतने पुराने दोस्त हैं, इनका हक बनता है पहले जाना। नहीं इनको तो मैं आधे से ज्यादा इनके गुनाह जानता हूँ इसलिए मैंने कसम, इसलिए कही। आप बात ये है कि लेडीज फर्स्ट सर, लेडीज फर्स्ट, लेडीज जाना पड़ेगा। आपकी भरपूर तालियों में जाना पड़ेगा सर। ख्वातिन और हजरात, ये है वो चेहरा जैसे कहते हैं आईना सच बोलता है। आईने के सामने खड़े होकर अगर कोई अपनी गलतियां, अपनी खामियां बताए, अपनी खूबियां बताए, तो जज आपने करना है और जजेज हैं आप। और इसका, इसकी तशरीह करने के लिए जवाबात की मैं यहाँ तशरीफ फरमा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में आईना की रूबरू जाना वाला। पहले 5 खामियां। खामियां, अरे बाप रे, खामियां तो बहुत सारी है, 5 का मैं कहूँ लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़ी बड़ी पांच बता दें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पांच बता दें। अच्छा वो मोटी मोटी पांच में एक तो ये है कि जल्दबाजी, इम्पल्सिव हूँ थोड़ी, जल्दबाजी। हाँ, शादी भी आपकी ऐसी सर आपके सामने 15 को 17 को शादी पलक झपकते। ये बात सही है, इसमें ताली होनी चाहिए, इन्होंने सही बोला सर। लेकिन सर ये मेरी खामी भी है और खूबी भी है। नहीं, आपने इसे गलत खामी में गिना, हालांकि जब आप खूबियाँ बताती जब कहती हैं आप। अच्छा? चला हो गया डिस्कस, कोई बात। ओहो अच्छा चले। और दूसरे नंबर पे मुझे लगता है दूसरे नंबर पे गुस्सा आ ही जाता है। एक्चुअली बात क्या है शरीफ साहब कि मैं, मेरी जात कक्के से ही है, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। तो फिर बसरूर अब बस आगे नहीं मैं बोलूँगी कुछ भी। अच्छा और हाँ अब भाई ये भी पता नहीं खामी है कि खूबी है, मुझे सफाई का भाई। सॉरी सियालकोट पे एक और तारीफ करूंगा। हाय हाय क्या गाना नगमा लिखा कॉमी, तेरे मुखड़े का काला काला तिल में मुंडिया सियालकोटिया मेरे काट के ला गया दिल में। हाय हाय जी। दूसरी सर सो नंबर 3 पे मुझे सफाई का बहुत ज्यादा एक खपत है कि हर चीज साफ होनी चाहिए, हर चीज अपने डब्बे में होनी चाहिए। नहीं सफाई होनी चाहिए। नहीं लेकिन ये खामी तो नहीं ना, ये तो खूबी है, तो अब बहुत अच्छी बात है। मैं वो अब क्या करूं? नहीं आप है ना, खामी खूबी को मिक्स कर दिया। आपको पता नहीं चल रहा आपकी खामी कौन सी खूबी कौन सी। हाँ, ये है। ये अब आप बताएंगे ना, आप इसलिए तो हैं यहाँ पे तशरीह करने। चलो नहीं अभी हम इसको निकाल देते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा आप 3 और खामियां बताएं। खामियां खामी अच्छा फकीर के पैसे छीन लिए सर, जो हॉलीडे होती खामी सर, जो हॉलिडे होती ना उसमें बहुत लेजी हो जाती हूँ। लेजी जो हॉलिडे हो, छुट्टी का दिन हो ना, उसमें मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ। वेरी गुड। किताब खोल के बस। आप क्या समझती हैं कि ये खामी है? दुनिया के 90% लोग यही करते हैं छुट्टी वाले दिन। ये सब में ये खामी है। नंबर 4 अच्छा और क्या? और ये कि आप बोल रहे हैं आपको। हाँ, तो बताइए मेरा सर अब आप बताइए। आप बताएं आखिरी वाली खामी, अब आप बताइए। नहीं अभी तो 4 पे है, 5 होता है ना आखिरी। 5वीं आप बताएं ना। अरे तो 4थी तो बताओ मैं बहुत लेजी हूँ ना, बहुत लेजी। हाँ, तो 3 पे था। अच्छा 4 पे भी लेजी है आप तो फिर जो बंदा 3 पे ले दिए, 4 पे ले दिए, तो वो 5 पे भी ले दिए अब चले आप आ जाए अच्छाई पे सर। अच्छाई ये है कि कभी कभी सच बोल लेती हूँ, जहाँ नहीं भी बोलना होता वहां भी बोल लेती हूँ ये तो ताखिर कहलाती है कभी सच बोल लेती हूँ। अच्छाई बताए कि मेरे में ये अच्छाई है। मेरे में ये अच्छाई है कि मैं खाना बना लेती हूँ, और अच्छा बना लेती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से मैं अच्छा बना लेती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। और तो खाना बनाना जाए तो क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर एक बहुत अच्छे इंसान को चुना, शुक्र है अल्लाह का कि उस वक्त अकल काम कर रही थी आपकी चॉइस अच्छी है। चॉइस बहुत अच्छी है सर ये तो है सर। तो और तीसरी बात ये कि हाँ, उसी अच्छे खाने को दोबारा बना लेती। वाह ये सबसे अच्छी बात है सर, मैं बिल्कुल फजूल खर्च नहीं हूँ। वाह हाँ, हाँ तो आप तो है। अरे फिर तो आप कंजूस हुई ना, ये खामी है ये खूबी तो ये है, वो खामी है। खूबी तो ये होती है जी, मैं ऊँट पे बैठती हूँ, अशरफियान उठाती हूँ। वाह 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 जी सर। अच्छा और क्या खूबी पंक्चुअल बहुत हूँ मैं। टाइम ये बात। हाँ, काम के वक्त में वक्त की पाबंदी करना अच्छे इंसान की निशानी है। अच्छा जी। और नंबर 3 लो अब कम होती जा रही है खूबी। हाँ नंबर 3 बताइए। मेकअप करने का मुझे बहुत शौक है। ये तो हर औरत को बीमारी है। ये बीमारी है, ये हर मेकअप तो किसी को मिल जाए, मिल जाए, खुसरे को मिल जाए, वो आधे घंटे में औरत बन जाता। तो औरतें मेकअप करके क्या कमाल कर लेंगी। हाँ जी, तीसरी बताइए। अच्छा तीसरी कब तक? तीन चल रहा है, तीन ही चल रहा है जब से। पांच में से अब आप पांचवी, अब आप बताइए। पांचवी अब आप बताइए, आखिरी वाली। एक बार बताइए, मैं औरत की खूबी क्या समझता हूँ सर? जितने रिश्ते रब्बुल इज़्ज़त ने बाइज़्ज़त दुनिया में बनाए हैं, उन सब में औरत को रखा है। इसका मतलब है अल्लाह समझता है कि ये रिश्तों को निभाना जानती है। ये मेरे कमेंट्स हैं। बहुत आप इसमें सुरखरू हुई। थैंक यू सर। और हमारी तरफ से एक 220 इंच का टीवी। वाओ, 220 इंच का टीवी ये बना नहीं है। 220 जब बनेगा, ये साइंसदान बना रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर बन गया तो आपके घर पहुंचेगा। वाह 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, ट्रांसफर करा लेता हूँ। तीसरा है ना मेरा? नहीं, आप अपना पहला बताइए। पहला मैं भूल गया। जब मैं आईना देखता हूँ, तो मुझे याद आता है, मैं इसी तरह बैठ के हजामत करवाता हूँ। तो आप नाक स्याही में डुबोगे, खत लिखा करें। रहीम भाई आजा, भैया आजा आजा। मैं तो आपकी तरफ मुंह करके ना बैठ जाऊं। ना ना, गुनाह होता। पहले हलफ ले ले। अच्छा, खवातीन का हलफ अभी हमने छपवा नहीं है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं वादा करता हूँ सिर्फ उमर भाई से कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पूछें। ठीक है, आप जिंदगी के 5 ऐसी बातें जो आप समझते हैं आपसे गलती हुई, या आपने वो किसी का दिल दुखाया, या आपने सच की वजह से वो कोई दिल टूट गया, तो आप अपनी 5 ऐसी खामियां और 5 खूबियां बताइए। खामियों से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। मेरी पहली खामी, मैं जज्बाती बहुत हूँ। दूसरी, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, ट्रांसफर करा लेता हूँ। क्या क्या जल्दी ट्रांसफर है? ट्रस्ट कर लेता हूँ। ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट करते हो? हाँ। ओ, बहुत दो गई, बहुत दो में ट्रस्ट करता। पहले ना, पहले में क्या किया? अब आप सुने। हाँ, तीसरा है ना मेरा? नहीं, आप अपना पहला बताइए। पहला मैं भूल गया। चलिए बोलिए सर, बोलिए तीसरा, बोलिए। तीसरा ये कि जब मैं सबसे बड़ी खामी ये, जब मैं आईना देखता हूँ, तो मुझे याद आता है, मैं इसी तरह बैठ के हजामत करवाता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। थैंक यू। और चौथा ये कि फिर मैं आईना जब देखता हूँ तो फिर मुझे अपनी नाक जो है ना, इसके बारे में जो है ना, क्या इसके बारे में, क्या ये इंडिया की बनी हुई है? क्या जरूरत ज़्यादा बड़ी है? बड़ी है। हाँ, ये खामी है। तो आप नाक स्याही में डुबोगे, खत लिखा करें। जी। और पांचवी ये है कि मैं यार, इस्लाम में तो 4 चाहिए तू ना। मैं पांचवा बोलूं? अच्छा बोलो पांचवा। पांचवा ये, मेरी सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो मेरे लिए मुसीबत का सामान बनती है, कि जब भी मैं किसी के काम आता हूँ, बहुत ही करीबी दोस्त के, तो मुझे ज़रब ज़रूर लगती है। चाहे वो अंदरूनी हो या जिस्मानी हो। अच्छा, आपको एक तरीके से उसमें आपको वो नज़र आता है कि आपने जैसे वाकई में गलती कर ली। बिल्कुल, उस दुख होता है, दुख होता है। और यहाँ इस वक्त ये बात सही बता रहा हूँ। फिर मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल याद आता है कि डरो उस इंसान से जिस पे तुम एहसान करो, एहसान करो। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इत्मीनान हो जाता है, इस सुकून हो जाता है कि जो कहा तो वो तो होगा, मैंने सुना नहीं तो अमल करना चाहिए था उसके ऊपर। अब हो गया खूबियाँ, खूबियाँ मेरे अंदर ये है, पहली खूबी ये है कि जो करना चाहिए मुझे एक औलाद को करना चाहिए। जो सबसे बड़ी खूबी है मेरी, मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी एक आपको इसमें इजाफा कर दूँ जी, माँ और बाप को औलाद अगर प्यार से देखे वो भी सवाब है। बस यही मेरी खूबी है। इसी तरीके से खाना काबा को बंदा खामोश बैठ के देखता रहे, वो इबादत में गिना जाएगा। बेशक बेशक। दूसरी खूबी ये है कि मैं एक मुसलमान घर में और सही अकीदे घर में पैदा हुआ हूँ। ये आपकी खूबी नहीं है, ये मेरी खूबी है। ये नहीं आप अपना नहीं, आपकी बात बढ़ाता हूँ उधर ही से। आपको पता है, कहते हैं जब आप दुआ मांगा करें तो आप अगर ये दुआ मांगे और इस बात शुक्र अदा करे अल्लाह का कि यार रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान घर में और पैदा किया है, और मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है। तो ये कहो ना, कह दिया ना। आप कह रहे हो, मैं आप कह रहे हो ना, असल हदीस यही है, सही कह रहे हो, हदीस मुबारक यही है जी। अब बिल्कुल ठीक है। और अब कितना नंबर आया? चौथा। चौथी मैं बताता हूँ। नहीं उमर भाई प्लीज, नहीं उमर भाई आया नहीं 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 उमर भाई प्लीज आप भी बताइए। हाँ नहीं, चौथी खूबी ये गाना गाने के पैसे नहीं लेता, मुफ्त गाता। आप बुलवा के देख ले इसको यार, यहाँ के भी लिए छोड़ दें। चलो चौथा बताओ। हो पांचवा भाई। अबे चौथा तो मैंने बताया, तूने कहा बताया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चौथा ये है कि मैं जो मेरी सबसे अच्छी खूबी ये है कि मैं कभी भी अपने जो मोहसिन होते हैं उनको मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ, चाहे वो दिन हो रात हो, बशर्त ये है कि मैं सांस लेता हुआ हूँ और ज़िंदा हूँ, मैं उनको। वेरी नाइस। ये एक इंसानियत की बात की आपने। पांचवी और आखिरी खूबी, इसके बाद आप उस सोफे पर चले जाएंगे। कौन से वाले? अच्छा, मैं समझा कोई और लगा दिया आपने। नहीं। अच्छा, पांचवी खूबी मेरी ये है उमर भाई, वहीं बैठ के बात हो, हमारा शॉर्ट खराब हो रहा भाई। शॉर्ट खराब हो रहा? मेरा तो पैंट भाई शॉर्ट खराब। पांचवी खूबी मेरी ये है कि मैं यारों का यार और दुश्मन का दुश्मन हूँ। दे देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इंटरव्यू में ये पोर्शन रहा, बिल्कुल, और आपका भी बेहतरीन रहा। थैंक यू। आपका भी बेहतरीन रहा। और इससे ज़रा थोड़ा सा आपको अपने अंदर के कथारसिस जो हैं वो निकालने का मौका मिलता है, और कुछ बातें आप एक्सप्रेशन से उसको पब्लिक में पहुंचा देते हैं कि मैं ऐसा हूँ। हाँ बिल्कुल। और अपनी गलतियाँ भी मान लेता हूँ। हाँ जी। एक गलती मैं अपनी मानता हूँ। क्या सर? आज मैं ये पहली मरतबा ये बात करने लगा, मैंने कभी ज़िंदगी में ये बात की नहीं है, वेरी फर्स्ट टाइम। एक गलती है मेरी, पूरे इस प्रोग्राम में एक गलती है, बस वो है कि मैं ब्रेक लेता हूँ। ये आदमी क्योंकि कराची से ताल्लुक़ रखता है और कराची के नलों में अब साफ पानी तो आता नहीं है, तो ये बता रहा है आप लोगों के पास कैश वैश है तो किसी के पास रखवा दें, क्योंकि छिया झपटी में सबसे पहले लोग जिम में से पैसे ले। इतना गमज़दा गाना था वो कि लोगों ने मरहम लगा के सुना है। वो एक ऐसी लड़की थी कि जिससे मेरी एक बार भी बात नहीं हुई, और आज माशाल्लाह वो 5 बच्चों की माँ है। माशाल्लाह। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा, बल खाई थी वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। मैं कुछ कह ना सका शालू जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो। गोरी तुम वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा, बल खाई थी वो दिन याद करो। हाँ तुम याद करो, हाँ तुम याद करो। Welcome back after the break. Please have a seat, sir. Thank you, Lucky. Thank you. Big hand for Lucky. अच्छा मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, वो दिन याद करो। सर आपके पास बैठ के ही ये गारा क्यों? इससे पहले वाला भी आपको था। क्या याद करवाना चाह रहे हैं ये तो बताइए। ये बोल रहा है कि ये आदमी क्योंकि कराची से ताल्लुक रखता है और कराची के नलों में अब साफ पानी तो आता नहीं है, तो ये बता रहा है। तो याद करो वो सवाल जब हाँ, साथ तुम पानी याद आता। करो कि तुमने गागर में से थोड़ा सा पानी पिया था, नल में से नहीं पी रहे थे। अच्छा अब एक लम्हा आएगा जिसे कहते हैं लम्हा है फिक्रिया, अरे अल्लाह खैर, कुरान मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों? उसकी वजह से 4 सवाल होंगे ख्वातीन से, वो क्या पूछेंगी और आप दोनों क्या जवाब देंगे। सर लम्हा फिक्रिया आपके लिए है। तो आप क्यों इतने अफसरदा हो रहे हैं? मैं इसलिए हो रहा हूँ कि ये पब्लिक है जी, ये सब जानती है सर, और ये पथराव भी कर देती है। तो इसलिए अपने मिजाज को खुशगवार बना के, अगर आप लोगों के पास वो कैश वैश है तो किसी के पास रखवा दें, क्योंकि छिया झपटी में सबसे पहले लोग जेब में से पैसे नहीं। मेहमान हमारे इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मज़ाकन एक बात कर रहा था, और आप सवाल पूछेगा बड़े शाइस्तगी से, बड़े उम्दा तरीके से और बड़ा एंजॉय करके, क्योंकि ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं और ये हमारे मुल्क के एक समझ लीजिए एक पहचान भी है और एक तरीके से समझ लीजिए कीमती लोग हैं। सर थैंक यू। तो आप अच्छा इस दफा बॉयज फर्स्ट। अच्छा बॉय यानी बॉयज मैं कितने हूँ? अरे ये बॉयज यहाँ मुझे बदनाम फिल्म याद आ गई, कहाँ से आए हैं बॉयज, कौन लाए हैं बॉयज, किसने कहा इनको बॉयज। चलो ये हमारी बहन है, छूट है, ऐस लगा दिया कोई बात नहीं। हाँ प्लीज। अच्छा नहीं वो लेडीज फर्स्ट था ना, तो फिर मैंने बॉयज फर्स्ट कर दिया उसको। आप बॉयज फर्स्ट चुन रहे हैं। चलिए रहीम शाह से पूछने वाला पहला सवाल शुरू कीजिए, देना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमसुन निहार तारिक है और मेरा सवाल रहीम भाई से है। रहीम भाई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा सानेहा पेश आया जिसकी वजह से आपने अपना पहला ही गाना इतना गमजदा गाया? इतना गमजदा गाना था वो कि लोगों ने मरहम लगा लगा के सुना है। मेरी बहन पहला गाना मैंने चूँकि घर भी नहीं बना था और मुझे किसी खातून का कोई गम नहीं था सिवाय इसके कि बस किसी तरीके से मेरे पाँव टिक जाए ज़मीन के ऊपर, मैं कुछ कर लूँ। तो ये सान्हा, इसे मैं कहूँगा कि एक अच्छा सान्हा मेरे साथ हुआ है। तो उस बजरी के ऊपर जब मैं लिख रहा था तो ये सान्हा पेश आया मेरे साथ पहला, कि पहले तो कभी कभी गम था और आज तक मैं वो गम सुनाता हूँ और लोग उससे महसूस होते हैं। तो ये सान्हा है मेरे लिए एक, जो मैं आज तक नहीं समझा कि ये कैसे मिल गई शौहरत अल्लाह की तरफ से। हम से मिली है। दूसरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जाना मलिक से है। मेरा नाम रुखसाना है और मैं कराची पब्लिक स्कूल में एज अकाउंटेंट जॉब करती हूँ। माशाल्लाह साहब एक खूबसूरत वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और स्कैंडल से पाक आपकी माशाल्लाह से पूरी ज़िंदगी अब तक गुजर रही है। आपकी पहली मुलाकात नुमान से कब, कैसे और कहाँ हुई? तो पहली आपको तो पता है? नहीं, मैं तो खामोश हूँ। मुझे पता था खामोश। अच्छा रुखसाना, हुआ ये कि पहली मुलाकात एक मूवी सिनेमा के पार्किंग लॉट में हुई थी और 12 अगस्त को 7:30 बजे का टाइम था और फिर बस वायलिन बैकग्राउंड में आलाप और वो चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में से निकल रही थी और मैंने उनको देखा और हल्का सा बस काफ़ी था मेरे लिए। और फिर उन्हें एकदम से नजरें झुका ली कि यू नो चेहरे पे आ जाता है सारा, फिर उनका अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, और चलो 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 मूवी का टाइम हो गया। फिर हम सब अंदर चले गए मूवी देखने के लिए और मूवी देखी और बस मूवी कहाँ नजर आ रही थी किसको पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। ये मूवी नहीं देख रही थी। हाँ। ये देख रही थी इस फिल्म का अंजाम क्या होगा। अच्छा इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही हो गया, शादी हो गई, कितना अच्छा हुआ। हाँ जी आइए, सवाल के लिए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा है और मेरा क्वेश्चन रहीम शाह से है कि मैंने सुना है कि आपकी पहली महबूबा का नाम सबा था। आपकी पहली महबूबा का नाम सबा था जिसकी याद में आपने सबा सिनेमा बनाया कर। अरे आपको कैसे पता कि उनका नाम सबा था? उनसे तस्दीक करने में आपने इनकी अभी छोटी सी स्टोरी सुनी। ये गाड़ी में थी, उनको पैदल चलाया इन्होंने, उनको भी गाड़ी में बिठाना चाहिए था लेकिन शायद ये गाड़ी छोड़ के आए थे। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जिस लड़की का ये नाम था, क्योंकि मैं उमर भाई के शो में आके वैसे भी नॉर्मली मैं झूठ नहीं बोल सकता और जो सवाल मुझे जवाब नहीं देना होता मैं पहले से कह देता हूँ उमर भाई को ये ना पूछिएगा मुझसे, ये मेरी एक आदत है। सो आपने चूँकि पूछ लिया है और कैमरे ऑन है तो लिहाजा वो एक ऐसी लड़की थी कि जिससे मेरी एक बार भी बात नहीं हुई और आज माशाल्लाह वो 5 बच्चों की माँ है। अरे माशाल्लाह, ये भी मोहब्बत है, अंदाज़ है, पाक मोहब्बत है, पाक। ना हेलो किया, ना हाय किया, ना बाय किया, लेकिन आपकी उससे बात नहीं हुई मगर आपको उसके बारे में मालूम सब है, ये भी पता है कि 5 बच्चे। मैंने कहा कहाँ से आया ये चेहरा, सबरू सबरू, ये मैंने कहा था। लेकिन बहरहाल अल्लाह उसको भी सलामत रखे, उसकी औलाद को भी सलामत रखे और मुझे भी सलामत रखे और आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम समैंता है, मेरा सवाल जाना जी से है। समैंता समैंता समैंता, यहाँ मेरा सामान था। कंस्ट्रक्शन का काम सीखा कि घर कैसे बनाते हैं और ठेकेदार जाना मलिक सर। हनीमून का जो चक्कर है वो अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अच्छा। एक तो थोड़ा सा नहीं, बच्चों के साथ ही जाना। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समैंता है, मेरा सवाल जाना जी से है। समैंता 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 समैंता, नाम है उनका क्या? मेरा नाम समैंता है था, यहाँ मेरा सामान था, यहाँ मेरा सामान था। वो ऐसा लग रहा है साउंड में कि यहाँ मेरा सामान था। आप सही तरह बताएं नाम। मेरा सवाल जाना जी से है। जी। जाना जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि आप इतने अरसे मीडिया से गायब रहीं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, मैं अक्सर ये करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया और बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीन पर आ गई हूँ, तो मैं खुद से ही थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। उस ब्रेक में मैं कुछ ना कुछ नया करती हूँ। जैसे एक दफ़ा मैंने 6-8 महीने का ब्रेक लिया और लकीली रमज़ान का महीना भी उसी में आ गया। सो मैंने मिठाई बनाना सीखी, मैंने मुख्तलिफ पकवान बनाने सीखे, मुगलई खाने बनाने सीखे। वो कैश्यू नट्स के साथ, आमंड्स के साथ पेस्ट बना के वो 6-6 घंटे लगा के, जो फिर मैंने वो सीखा। फिर अभी रिसेंटली जो मैंने ब्रेक लिया उसमें कंस्ट्रक्शन का काम सीखा कि घर कैसे बनाते हैं। और ठेकेदार जाना मलिक सर सर क्या करते, तो वो बहुत ही मुझे एक इंटरेस्टिंग काम लगा कि एक खाली एक प्लॉट होता है, घास फूस होती है उसमें बस, और फिर आप एक ऐसी चीज़ बनाते हो सोच के नस्लें रहती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। तो आपने अपना घर खुद डिजाइन किया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वाह, तो वो भी एक आर्टिस्टिक चीज़ ही है। जाहिर बात है एस्थेटिक सेंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए। और जब वो रंग भरने वाला जो वो काम है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब जैसे आप उसको सजाते हो, टाइल्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, लाइटिंग है, सो दैट वाज अ फन एक्सपीरियंस। बड़ी आर्टिस्टिक बात की है इसने, बहुत आर्टिस्टिक बात है जी सर। ऐसे लोग भी होने चाहिए आपकी सोसाइटी में जो घरों को डिजाइन पर, हालांकि घर जो है वो बनते हैं पैसों से नहीं हकीकत है पैसों के बगैर आप मुझे घर बना के दिखा दो, मैं आपको प्लाट भी दे दूंगा, उस पर घास भी उगी होगी, सब होगा, पैसे नहीं होंगे तो वो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल, तो पैसा भी ज़रूरी और पैसे के साथ खूबसूरती जो उस घर में से आएगी। हाँ, और फिर दीवारें बेइंतहा मजबूत, बिल्कुल हलाल से होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हलाल का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन उमर भाई, मैं चूँकि इनकी जो हस्बैंड हैं वो छोटे भाई भी है, तो इसमें लकी ये तो नहीं वो हुआ सर? मैं लकी हूँ सर, बाकायदा मैं लकी हूँ। उसको खूबसूरत घर डेकोरेट मिल गया, सारा सब कुछ मिल गया। नौमान को शायद वो देख रहा हो या सुन भी रहा हो, लकी तो वो है माशाल्लाह। लकी तो हुआ है, तो पैसा उसका भी तो होगा, तो जाहिर बात है। तो फिर तो लकी ये हुई यही तो कह रही हूँ मैं। इनका अगर प्लाट भी था तो क्या था, वो मट्टी और घास उगी उसमें। अच्छा, शादी के बाद उनके पैसे से? बिल्कुल। और शादी के बाद हनीमून पे आप लोग कहाँ गए? अच्छा नहीं, शादी के बाद हनीमून का जो चक्कर है वो अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अच्छा। एक तो थोड़ा सा नहीं, बच्चों के साथ ही जाना सर नहीं ना। अच्छा क्या हनीमून हुआ? थोड़ा ऐसा कर लो, पहले चले जाना। हाँ थोड़ा सा पहले। हाँ तो वो बस इसी साल इंशाल्लाह प्रोग्राम है, क्योंकि मैं यूरोप साइड पे जाना चाहती हूँ। हाँ। तो वहाँ सर्दी बहुत है, तो ज़रा सा स्प्रिंग का मौसम हो तो फिर उसमें इंशाल्लाह। तो गर्मी करवा दो। हाँ मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मी भिजवा दो, मारामारी करवा दो वहाँ पे यूरोप में, जल से जुलूस करवा दो। बहरहाल मोहब्बत की गर्मी होनी चाहिए, प्यार में हिद्दत होनी चाहिए, तो फिर आप बर्फबारी में भी मरते मरते भी बर्फ में से टटोल के हाथ पकड़ लेते हैं। जरा इस सीन को विजुलाइज करें आप, कंसीव करें। एक हाथ आ रहा है बर्फ में से, और वो आकड़ गया है ठंड से, उंगलियां यूं नहीं हो रही, मगर उसने वो लेडीज हाथ जो लड़की का है नाजुक सा, उसे पकड़ा है। हाँ। और उस हिद्दत से उसमें लड़की में जिंदगी दौड़ा। ये ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव इतना महसूस करने वाली बात। बहरहाल खातिन रात, आप हमारे साथ रहे, हम आपके साथ रहे, बातें हुई, ख्यालात का इजहार हुआ, नेचर भी आपने पहचानी। स्टार आपने नहीं बताया क्या आप? सर मैं टॉरस। टॉरस? हाँ जी। और माधुरी दीक्षित सर? बिल्कुल। और यहाँ पे मरियम बैठी है, उनका स्टार भी है ये। अच्छा उनका भी है? मरियम का भी है टॉरस। और माधुरी ऐसी बड़ी हद तक वो एक बड़ी फ्रैंक सी, बड़ी मजे की, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी दिलकश खातून में कहता हूँ। आपका क्या स्टार है? यार मुझे इस तरह अंग्रेजी तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर है। अब क्या है वो? सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस। अच्छा स्टार है। अच्छा बहुत अच्छा। इस स्टार के साथ सर, और मेरा भी बता देना टॉरस के साथ क्या होता है। लो मैं आपको बताऊं टॉरस का, मैं बताता हूँ आपको सर। टॉरस जो है ना, इस वक्त जो टॉरस है उसकी लाइफ अब सेटल हुई जा करके। हाँ। आपकी शादी के बाद की जिंदगी होगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने हाउस ज़रीन गज़ल और मेहमानों में जाना मलिक और रहीम शाह और अपने टेक्नीशियन, अपने म्यूजिशियन, हमारे महबूब अशरफ ऑर्केस्ट्रा, लकी अली और आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। दिल की गहराइयों से पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे मेरी अम्मा याद करा सकते हैं, इनकी अम्मा मुझे याद नहीं कराती। आपने तो एक तरीके से भीख मांगी है आपने। दूसरे दिन आपको फोन भी करते हो फनकार कि यार तू पागल तो नहीं हो गया, साढ़ा पुरान देखी जा। मीडिया पे मर्द जुल्म करते हैं, घर में तो सही कह रहे हैं।